हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तैयार हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ब्रांच चेन अल्केन का आईयूपीएसी नाम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग कैसे करते हैं। तो तीन चीज है बेसिकली। एक बताया था मेन चेन सेलेक्ट करना, मेन चेन के अलावे जो बच जाता था वह ब्रांच कहलाता था। अब यदि किसी ब्रांच के अंदर भी ब्रांच हो तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोलेंगे या उसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखा जाता है। रूल्स सारे पहले के जैसे ही हैं, बस इस बार ध्यान क्या रखना है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन डायरेक्ट मेन चेन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हमेशा वन माना जाएगा, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में भी जो है लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। पहले हम लोग नंबरिंग करते थे केवल मेन चेन में, लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, कॉम्प्लेक्स ब्रांच आ जाए, तो नंबरिंग कॉम्प्लेक्स ब्रांच में भी करते हैं, और वन नंबर हमेशा कॉम्प्लेक्स ब्रांच के उस कार्बन को करना है जो डायरेक्ट मेन चेन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद उसमें भी फिर लंबा चेन सेलेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल से हम लोग कंसिडर करेंगे। इसके पहले हमने देखा था कि जो न्यूमरल प्रीफिक्स है डाई ट्राई टेट्रा पेंटा एटसेट्रा, तो इस सब को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं किया जाता था, लेकिन तब जब वे न्यूमरल प्रीफिक्स सिंपल ब्रांच के लिए आते हैं। अब यदि वह न्यूमरल प्रीफिक्स कॉम्प्लेक्स ब्रांच के लिए आता हो तो उस सब को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड किया जाएगा। मतलब यदि डाई ट्राई टेट्रा सिंपल ब्रांच में लग रहा है तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं करना है, और यदि डाई ट्राई टेट्रा कॉम्प्लेक्स ब्रांच के लिए है तब उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड करना है। फिर हमने देखा था कि यदि सिंपल ब्रांच दो आइडेंटिकल सिंपल ब्रांच है तो न्यूमरल प्रीफिक्स लगाएंगे डाई, लेकिन यदि दो आइडेंटिकल कॉम्प्लेक्स ब्रांच है तो प्रीफिक्स लगेगा बिस। यहां लिख करके रखा हमने कि दो सिंपल ब्रांच है तो डाई, लेकिन यदि दो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है तो बिस। तीन सिंपल ब्रांच है तो ट्राई, लेकिन कॉम्प्लेक्स है तो ट्रिस। चार है तो टेट्रा, लेकिन कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा टेट्रा किस। पांच है तो पेंटा, कॉम्प्लेक्स में जाएगा पेंटा की। और इसी तरह से जो है सो आगे बढ़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम लिखते वक्त मेन बात जो ध्यान में रखना है कि नंबरिंग इस बार कॉम्प्लेक्स ब्रांच में भी करना है, और उस कार्बन को वन मानना है जो डायरेक्ट मेन चेन से जुड़ा हुआ है। डाई ट्राई टेट्रा वगैरह यदि सिंपल ब्रांच का है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन यदि डाई ट्राई टेट्रा कॉम्प्लेक्स ब्रांच में लगा हुआ है तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड करना है। अब जब नाम हम लोग लिखेंगे तो अरेंज करते समय क्या ध्यान में रखना है कि ब्रांच चाहे सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स मैटर नहीं करता है, नाम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखा जाता है। यदि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सिंपल ब्रांच पहले आ रहा है तो उसका नाम पहले लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स का बाद में, लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम ही पहले आ जा रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो उसी का नाम लिखेंगे। जनरली लोग कंफ्यूज करते हैं कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम पहले लिख देते हैं, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। ब्रांच जो भी हो नाम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे इस कंपाउंड को देखें, सबसे पहला बात जो बताया था लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का, तो एक कार्बन दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, यहां से गिनते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, फिर एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, तो ऐसे आठ कार्बन आया। इस तरह से भी काउंटिंग करने पर आठ कार्बन आया, लेकिन यदि हम लोग सीधे देखें तो नौ कार्बन आ गया, मतलब वह मेन चेन है, तो बाकी सब ब्रांच पूरा हो जाएगा ब्रांच। इस तरह से एक कार्बन का ब्रांच है तो मिथाइल हुआ सिंपल, एक कार्बन है तो यहां भी मिथाइल हुआ सिंपल, लेकिन यहां बहुत सारा कार्बन लिखा हुआ है जिसको मिथाइल लिखा है नहीं लिख सकते हैं, मतलब कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच हुआ। अब मेन चेन में नंबरिंग करें हम लोग, इधर से काउंटिंग करें एक दो तीन, तीसरा कार्बन को ब्रांच आएगा, लेकिन इधर से काउंटिंग करें कार्बन नंबर एक दो सेकेंड पे ब्रांच आएगा, इधर से ब्रांच नजदीक हुआ तो नंबरिंग करेंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ। अब ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। अभी हमने क्या बोला था कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच में भी नंबरिंग करना है, और कॉम्प्लेक्स ब्रांच का जो कार्बन डायरेक्ट मेन चेन से जुड़ा हुआ है उसको हमेशा वन मानेंगे। तो ये हुआ मेन चेन। अभी मेन चेन से डायरेक्ट जो है ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को इस बार लिखेंगे वन। अब इसमें भी नंबर चेन देखेंगे तो वन के बाद टू थ्री, तो इस बार ये दोनों जो है सो ब्रांच हो गया। तो यहां गौर करेंगे हम लोग, ई जो है पूरा बड़ा वाला ब्रांच हुआ इस मेन चेन के लिए,
अब इसमें भी देखे तो ये हुआ मेन चेन और ये दोनों हो गया ब्रांच, मतलब ब्रांच के अंदर भी ब्रांच आ गया, इसी को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स ब्रांच। यदि इसका नाम लिखना चाहे तो क्या होगा, वन पे मिथाइल है और टू पे मिथाइल है, तो वन टू डाई मिथाइल, और तीन कार्बन का मेन चेन है तो तीन कार्बन के लिए यहां लिखेंगे प्रोपाइल, प्रोपेन नहीं, क्योंकि ए एन ई हमेशा मेन चेन के लिए लगता है, यहां मेन चेन ई वाला है, ई तो जो है सो ओवरऑल ब्रांच वाइज के लिए, इसलिए प्रोपेन नहीं प्रोपाइल। तो इस पूरे ब्रांच का नाम हो वन टू डायमिथाइल प्रोपाइल, यहां जो ब्रांच हो मिथाइल और यहां जो ब्रांच हो मिथाइल। अभी हमने बोला था कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच में जो डाई ट्राई वगैरह है वो सबको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड करना है, तो इस बार यहां इसका फर्स्ट लेटर हुआ डाई का डी, यहां एम यहां भी एम, तो चूंकि डी पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम पहले लिखा जाएगा। तो पूरा ब्रांच जो है कार्बन नंबर फाइव पर है तो यहां लिखा फाइव, और कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम हमेशा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखना है, तो फाइव ब्रैकेट में पूरा नाम हम लिख देते हैं, वन टू डाई मिथाइल प्रोपाइल। अच्छा इसके बाद फिर टू और सेवन का सिंपल ब्रांच है, तो टू सेवन डाई मिथाइल, मेन चेन में नौ कार्बन है नोने, इस पूरे कंपाउंड का नाम हुआ फाइव वन टू डाई मिथाइल प्रोपाइल टू सेवन डाई मिथाइल नोने। डाइमिथाइल में यहां भी डी लगा हुआ है, डाइमिथाइल में यहां भी डी लगा हुआ है, लेकिन चूंकि यह जो डाइमिथाइल है वह कॉम्प्लेक्स ब्रांच के लिए है तो इस डी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड करेंगे, लेकिन यहां जो डाई है वह सिंपल ब्रांच के लिए है तो इस डाई को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं करेंगे, यहां हम लोग एम देंगे। फिर इस कंपाउंड की बात करें, देखने से हम लोग को लग रहा है कि जो है लॉन्गेस्ट चेन होगा, तो बाकी सब ब्रांच, ये पूरा ब्रांच, ए भी पूरा ब्रांच, फिर यहां भी दो ब्रांच, एक कार्बन का मिथाइल, ए भी एक कार्बन का मिथाइल, दो कार्बन, ईटी लिखा हुआ है, ईटी का मतलब हुआ इथाइल, एमई लिखा हुआ रहेगा मिथाइल, पी आर लिखा हुआ रहेगा प्रोपाइल, मतलब फर्स्ट दो लेटर जो लिखा हुआ रहता है वैसे ही मतलब समझना है, तो ईटी का मतलब यहां मिथाइल समझेंगे। अब यदि मेन चेन में नंबरिंग करें, इधर से एक दो तीन चार फोर्थ कार्बन पे काउंट है, इधर से वन टू पे नजदीक पड़ा, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, तो अभी हमने बोला था कि जो कार्बन डायरेक्ट मेन चेन से जुड़ा हुआ है उसको वन करना है, ई कार्बन हुआ वन, फिर टू, फिर थ्री और यहां फोर, इस बार इसमें तीन ब्रांच आया, एक यहां और एक यहां, वैसे इसमें यहां डायरेक्ट मेन चेन से जुड़ा हुआ है वन टू थ्री, एक ब्रांच यहां एक ब्रांच यहां। अब नाम लिख करके देखें, वन पे एक मिथाइल टू पर और थ्री पर, तो वन टू थ्री ट्राई मिथाइल, और चार कार्बन है इसमें तो ब्यूटाइल, और इस ब्रांच का नाम लिखें तो वन टू डाइमिथाइल और तीन कार्बन का प्रोपाइल। तो यहां जो ब्रांच है उसका नाम शुरू हुआ ई से, यहां ब्रांच है उसका नाम एम से, यहां जो ब्रांच है उसका टी से, और यहां जो है डी से, तो डी ई टी एम चारों में सबसे पहले आता है डी, तो इस पूरे ब्रांच का नाम हम लोग पहले लिखेंगे, ट्वेल्व नंबर कार्बन पर है तो लिखे पहले ट्वेल्व ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स ब्रांच है वन टू डाइमिथाइल प्रोपाइल, और डी के बाद आता है ई, तो ई दो दो जगह है थर्ड कार्बन पे और थर्टीन पर, तो थ्री थर्टीन डाइमिथाइल, उसके बाद आता है एम, तो टू टू डाइमिथाइल, उसके बाद ई ब्रांच सिक्स नंबर पे है तो सिक्स, और इस पूरे ब्रांच का नाम हम लिखेंगे यहां वन टू थ्री, यहां पे लिख रहे हैं ट्राई मिथाइल ब्यूटाइल, ऐसा सब ब्रांच का नाम लिखिए, उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन में 16 कार्बन है तो 16 कार्बन का हेक्सा डेके। तो सारे रूल्स पहले के जैसे ही हैं, कॉम्प्लेक्स ब्रांच में एक चीज नया आया कि नंबरिंग कॉम्प्लेक्स ब्रांच में भी करना है, उस कार्बन को वन मानना है जो डायरेक्ट मेन चेन से जुड़ा हुआ है, नाम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, चाहे कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो या सिंपल, नाम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है, जो पहले आ जाए उसी का नाम हम लोग पहले लिखेंगे।
जैसे आप सबसे पहले कॉम्प्लेक्स आया तो कॉम्प्लेक्स लिख दिए, उसके बाद फिर दोनों सिंपल आया तो सिंपल लिखे, उसके बाद फिर जाकर कॉम्प्लेक्स आया तो फिर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म लिखे। तो कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नाम कैसे लिखे जाते हैं। जैसे एग्जांपल किस टाइप का कंपाउंड दिया हुआ है, तो पीछे हम लोग स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में भी देखे थे कि यार कंडेंस्ड फॉर्मूला है, पहले इसको एक एक करके हम लोग चेंज करेंगे। ये कार्बन था तो कार्बन लिखे, इसमें तीन सी एच थ्री ग्रुप है तो तीन सी एच थ्री लिख दिए, फिर इस पर बाहर का कार्बन। अब क्या करना है कि जो बाहर में कार्बन है इसमें ऐसा ऐसा चार ग्रुप जोड़ना है, एक दो तीन चार। इस कंपाउंड का हम लोग नाम लिखेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं, कार्बन नंबर एक दो तीन चार पांच, या फिर यहां से गिने एक दो तीन चार पांच, या फिर ऐसे गिने एक दो तीन चार पांच। तो हर तरफ से काउंटिंग करके हमने देखा कि लॉन्गेस्ट चेन में पांच कार्बन एटम्स ही आ रहे हैं, तो किसी को भी मेन चेन कंसिडर किया जा सकता है। यदि हम इसको मेन चेन कंसिडर करें तो बाकी सभी हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा ये पूरा जो है सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट यहां भी सब्स्टिट्यूएंट और ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट, ये सब तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है एक कार्बन का मिथाइल। अच्छा लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हुआ। अब यदि हम लोग इस मेन चेन में नंबरिंग करना चाहें तो बताया कि नंबरिंग हमेशा कोई किनारे से किया जाता है, उस किनारे से जिधर से ब्रांच नजदीक हो, तो इधर से काउंट की करें कार्बन नंबर एक दो, सेकेंड पर दो दो ब्रांच है, इधर से भी एक दो सेकेंड पर दो दो ब्रांच है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो थर्ड पर ब्रांच, इधर से भी थर्ड पर, मतलब दोनों तरफ से ब्रांच आइडेंटिकल पोजीशन पे आ रहे हैं, तो नंबरिंग किसी भी किनारे से किया जा सकता है। यदि नंबरिंग हम लोग इस तरफ से करें कार्बन नंबर एक दो तीन चार, ये हो जाएगा पांच ऐसा। अभी कॉम्प्लेक्स ब्रांच क्या बताया, कॉम्प्लेक्स ब्रांच का जो कार्बन डायरेक्ट मेन चेन से जुड़ा हुआ है वन, फिर यहां टू, तो ई दोनों हो जाएगा इसके लिए ब्रांच, वैसे यहां वन टू तो ई दोनों हो जाएगा इसके लिए ब्रांच। अभी कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम लिखे तो वन पर दो मिथाइल है, वन वन डाई मिथाइल, और दो कार्बन है इसमें तो दो कार्बन का इथाइल, वैसे ही शायद इसका नाम होगा वन पर दो ब्रांच है तो वन वन डाई मिथाइल, और दो कार्बन है तो दो कार्बन का इथाइल। इस बार हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो दो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है दोनों का नाम सेम है, जैसे सिंपल ब्रांच में यदि दो ब्रांच सेम होते थे तो दोनों का नाम एक साथ लिखा जाता था, सेम चीज यहां करेंगे हम लोग कि दोनों कॉम्प्लेक्स ब्रांच आइडेंटिकल है तो दोनों का नाम एक साथ लिखेंगे। अब चूंकि कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम शुरू हो रहा है डी से, सिंपल ब्रांच है एम से, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डी कम्स फर्स्ट देन एम, तो हम लोग डाइमिथाइल इथाइल जो है इसका नाम पहले लिखेंगे, दोनों थर्ड पर है थ्री थ्री। अब चूंकि दोनों ब्रांच आइडेंटिकल है तो न्यूमरल प्रीफिक्स लगाना होगा, तो बताया कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच में यदि दो आइडेंटिकल हो तो हम लोग दो के लिए लगाते हैं बीस, तो इस बार हम लोग थ्री थ्री बीस, और इसका नाम वन वन डाइमिथाइल इथाइल। तो जैसे डाई का मतलब दो होता है वैसे ही बीस का मतलब भी दो होता है, जैसे यहां बीस वन वन डाई मिथाइल इथाइल, इसका मतलब हुआ कि ऐसा ऐसा ग्रुप टोटल दो है, और दोनों कहां है तो दोनों थर्ड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो डाई मतलब दो वैसे बीस का मतलब भी दो। अब सिंपल ब्रांच का नाम, तो सेकेंड पर दो मिथाइल है टू टू दो बार, फोर पे दो मिथाइल है फोर फोर दो बार, टोटल चार हुआ टेट्रा मिथाइल, उसके बाद पांच कार्बन का मेन चेन है तो पेंटेन। जैसे ही हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, नाम लिखते वक्त एक चीज और भी ध्यान में रखना है कि जो भी अलग अलग ब्रांच है उसका नाम यही साइड में हम लोग लिख करके देख ले, ताकि जब फाइनल नाम लिखे तो अरेंज करने में आसानी हो। ऐसा साइड में लिखना कोई रूल में नहीं है, लेकिन सहूलियत के लिए ताकि यहाँ अरेंज करते वक्त कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ जो है इसको पहले रख भी लिख लेना है, उसके बाद फाइनली जो है इसको यहाँ अरेंज करना है। तो ऐसा हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। अब आप लोग अपने से जो है इसको प्रैक्टिस करो, कॉलेज का वेबसाइट पे जो प्रैक्टिस सेट किया हुआ है उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले कंपाउंड्स दिए हुए हैं, वहां जाकर के उसको डाउनलोड करो और उसको बनाओ तो आसानी से समझ में आ जाएगी बातें। अब आगे हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स। तो कार्बन एटम्स के बारे में पहले बताया कि कार्बन जो है एक टेट्रा वैलेंट एटम है, मतलब कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाता है,
तो कार्बन का क्लासिफिकेशन जो है डिग्री में किया जाता है, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, ऐसे करके। अब यदि कोई कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से तो 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, यदि कोई कार्बन दो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री कार्बन, यदि कोई कार्बन तीन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है 3 डिग्री कार्बन, और यदि कोई कार्बन के अगल बगल 4 कार्बन है तो उसको 4 डिग्री कार्बन बोलेंगे। मतलब कार्बन का क्लासिफिकेशन जो डिग्री में करते हैं वह इस बेसिस पे कि वह पर्टिकुलर कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल में देखें इस कार्बन को, इस कार्बन के बगल में एक कार्बन है तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखें तो एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, दो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखें 1, 2, 3, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है 4 डिग्री कार्बन, वैसे ही हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, ये हो जाएगा 2 डिग्री। इस कार्बन को देखें तो 1, 2, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है 3 डिग्री, 1 डिग्री और 1 डिग्री। तो कार्बन का क्लासिफिकेशन बहुत ही आसान है कि जिस कार्बन का डिग्री लिखना हो बस देखो कि वह कार्बन और कितने कार्बन से जो है जुड़ा हुआ है। तो कार्बन एटम के क्लासिफिकेशन के बाद अब हम लोग कुछ बेसिक जो है प्रीफिक्स के बारे में जानेंगे। 5 प्रीफिक्स होते हैं, नॉर्मल, सेकेंडरी, टर्शियरी, आइसो और नियो। कौन सा प्रीफिक्स का इस्तेमाल कब किया जाता है हम बोल रहे हैं, आप लोग जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल, तो नॉर्मल का इस्तेमाल हमेशा एक लीनियर चेन के लिए किया जाता है कि यदि कोई कंपाउंड में जितने कार्बन एटम्स है सभी कार्बन एटम्स केवल एक लीनियर चेन बना रहे हैं तो एन लगाया जाएगा, नॉर्मल बोलेंगे। सेकेंडरी कब लगाएंगे, तो यदि किसी कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, क्योंकि 2 डिग्री को सेकेंडरी बोला जाता है। यदि किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो टर्शियरी, क्योंकि 3 डिग्री को टर्शियरी बोला जाता है। रिपीट करते हैं, नॉर्मल का इस्तेमाल कब करेंगे जब लीनियर चेन हो, सेकेंडरी का इस्तेमाल कब करेंगे जब फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो, और टर्शियरी का इस्तेमाल तब करेंगे जब फंक्शनल ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो। देखें एग्जाम्पल, हम लोग कंपाउंड में 3 कार्बन है, तीनों एक के बाद एक लगातार है, मतलब लीनियर चेन में यहां हम लोग एक बॉन्ड दे करके रखे हैं कि बॉन्ड के बाद कोई ग्रुप होगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो यदि इसका नाम लिखे हम लोग तो नाम हो जाएगा एन प्रोपाइल। अब यहां बॉन्ड की जगह जैसा ग्रुप है, सपोज यहां सीएल रहे तो एन प्रोपाइल क्लोराइड, ओएच रहे तो एन प्रोपाइल अल्कोहल, जैसा भी तो एन प्रोपाइल केवल इस अल्काइल ग्रुप का जो है नाम है। वैसे यहां 4 कार्बन है, चारों एक के बाद एक लीनियर चेन में है तो यहां भी लगाएंगे एन, और 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल। इसमें देखें यहां एक बॉन्ड हमने दे करके रखा है कि बॉन्ड जिस कार्बन पे है, कार्बन के अगल बगल 2 कार्बन है, मतलब ये 2 डिग्री कार्बन हुआ, 2 डिग्री कार्बन को बोला जाता है सेकेंडरी। तो चूंकि 2 डिग्री कार्बन से यहां कोई ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा इसलिए इसमें लगाया जाएगा सेकेंडरी, 4 कार्बन इसलिए ब्यूटाइल। ध्यान में रखेंगे कि सेकेंडरी को शॉर्ट में SEC लिखा जाता है, सेक, और तीनों स्मॉल लेटर होते हैं और सेक के बाद हमेशा हाइफन का इस्तेमाल करना है। वैसे यहां बॉन्ड जहां छोड़े हम लोग, कार्बन के अगल बगल 2 कार्बन है, ये भी 2 डिग्री कार्बन हुआ, 2 डिग्री कार्बन को सेकेंडरी बोल रहे हैं तो इसका भी नाम लिखेंगे सेकेंडरी, और टोटल 5 कार्बन है इसलिए पेंटाइल। फिर टर्शियरी के बारे में बताया कि यदि कोई ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो, इस बार जिस कार्बन से बॉन्ड दे करके रखे हैं इसके अगल बगल 3 कार्बन है, मतलब ये 3 डिग्री हुआ, तो 3 डिग्री के लिए लगाएंगे टर्शियरी। टर्शियरी को शॉर्ट में लिखा जाता है टर, TERT, और सारे स्मॉल लेटर्स होते हैं और उसके बाद हाइफन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो टर्शियरी, और टोटल 4 कार्बन है इसीलिए ब्यूटाइल। यहां ई कार्बन जिसे बॉन्ड छोड़े इसके अगल बगल जो है 3 कार्बन है तो ये भी 3 डिग्री हुआ, तो टर्शियरी 5 कार्बन है टोटल इसलिए पेंटाइल। ऐसा कंफ्यूज नहीं करना हम लोगों को कि कार्बन के अगल बगल 5 कार्बन हुआ, 4 कार्बन, 1, 2, 3, 4, ऐसा नहीं है, इसके जस्ट बगल में देखना है तो जस्ट बगल में 1, 2, 3, अरे ये जो कार्बन है वो तो इसके बगल में है ना, इसके बगल में नहीं है, तो डायरेक्टली जितने कार्बन अटैच है उसके आधार पर जो है डिग्री दिया जाता है। अब जो बाकी 2 बचा आइसो और नियो, तो आइसो के लिए क्या ध्यान में रखना है कि यदि मेन चेन में सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप हो तो आइसो लगाएंगे, और यदि मेन चेन का सेकेंड लास्ट कार्बन पर दो दो मिथाइल ग्रुप हो, केवल मिथाइल CH3 ग्रुप, तो नियो लगाएंगे।
क्या बोला हमने कि मेन चेन का सेकेंड लास्ट, लास्ट से सेकेंड कार्बन पर यदि एक मिथाइल ग्रुप हो तो आइसो, और यदि सेकेंड लास्ट कार्बन पर दो दो मिथाइल ग्रुप हो तो नियो। जैसे इस कंपाउंड को एक दो तीन ऐसा राउंडिंग कर सकते हैं हम लोग। इस सेकेंड लास्ट पर एक मिथाइल ग्रुप है इसलिए आइसो, और टोटल चार कार्बन है, तीन कार्बन मेन चेन का यहां है तो ब्यूटाइल। आइसो में आई कैपिटल लिखेंगे और यहां कोई हाइफन का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसे यहां एक दो तीन चार, फोर्थ कार्बन लास्ट कार्बन है तो लास्ट से सेकेंड मतलब सेकेंड लास्ट, और सेकेंड लास्ट पर एक मिथाइल है तो लगाएंगे आइसो। टोटल पांच कार्बन, चार कार्बन मेन चेन का एक ब्रांच का, तो आइसो पेंटाइल। ऐसा नियो के बारे में तो कार्बन नंबर एक दो तीन, सेकेंड पर दो दो मिथाइल ग्रुप तो लगेगा नियो। टोटल पांच कार्बन, तीन कार्बन मेन चेन का और दो ब्रांच का, तो पेंटाइल नियोपेंटाइल। अब यहां जैसा ग्रुप रहा OH रहा तो नियोपेंटाइल अल्कोहल, CH रहा तो नियोपेंटाइल साइनाइड, ऐसा करके तो नियोपेंटाइल केवल इतना करना। वैसे यहां देखें तो एक दो तीन चार, चार कार्बन का मेन चेन है तो चार हुआ लास्ट, लास्ट से सेकेंड, और इस पर दो दो मिथाइल ऐसा तो लगाएंगे नियो। टोटल छह कार्बन, चार मेन चेन में और दो ब्रांच का, तो नियो हेक्साइड। ऐसा तो N सेकेंडरी टर्शियरी आइसो और नियो ये सभी कुछ कॉमन जो है प्रीफिक्स है। इसमें से ध्यान रखना है कि N सेकेंडरी और टर्शियरी ये तीनों हाइफिनेटेड प्रीफिक्स हैं, मतलब ये तीनों के बाद हाइफन का इस्तेमाल करना है, और बाकी जो दो बच जाएंगे आइसो और नियो उस सब के बाद हाइफन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आइसो में एक एक्सेप्शन है, यहां हमने आइसो लिख करके रखा है। तो एक्सेप्शन इसमें क्या है कि यदि तीन कार्बन का कंपाउंड ऐसा और एक बीच वाला कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, तो इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल। एक्सेप्शन क्यों बोल रहे हैं लोग, तो आइसो का बात अभी जो बताया कि आइसो तब लगाते हैं जब सेकेंड लास्ट पर एक मिथाइल हो, लेकिन इस कंपाउंड में सेकेंड लास्ट पर कहीं कोई मिथाइल नहीं है। नंबरिंग करेंगे तो वन टू थ्री, सेकेंड पर नहीं मिथाइल है इसमें कहीं, उसके बावजूद आइसो लगा करके रखा है हमने। हाँ, इसका नाम होना चाहिए सेकेंडरी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से इसके अगर बगल दो कार्बन है मतलब ये टू डिग्री हुआ, और टू डिग्री कार्बन से यदि कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो सेकेंडरी लगाते हैं हम लोग। तो इसका नाम होना चाहिए सेकेंडरी प्रोपाइल, लेकिन सेकेंडरी प्रोपाइल नहीं होगा, इसका नाम लिखेंगे हम लोग आइसो प्रोपाइल। तो बेसिकली एक लाइन में याद रखना है कि यदि तीन कार्बन का कंपाउंड हो और फंक्शनल ग्रुप किनारे वाला कार्बन में हो तो एन प्रोपाइल, और यदि फंक्शनल ग्रुप बीच वाला कार्बन में हो तो आइसो प्रोपाइल। एक्सेप्शन मात्र यही एक है, इसको हम याद रखेंगे डायरेक्ट। तो जो पांच प्रीफिक्स बताए एन सेकेंडरी टर्शियरी हाइफिनेटेड प्रीफिक्स, बाद में हाइफन लगाएंगे सब स्मॉल लेटर होगा, और आइसो नियो नॉन हाइफिनेटेड मतलब इसके बाद हाइफन का इस्तेमाल नहीं करना है, और फर्स्ट लेटर कैपिटल यदि शुरू में आवे तो, और बीच में कहीं आएगा तो स्मॉल। अब क्या करते हैं कि जो हाइफिनेटेड प्रीफिक्स है एन सेकेंडरी और टर्शियरी, ये तीनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन यदि आइसो और नियो है तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड करेंगे। क्या बोला हमने कि एन सेकेंडरी टर्शियरी जो तीन हाइफिनेटेड प्रीफिक्स है, ये तीनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन जो बाकी बचे आइसो और नियो ये सब के बाद हाइफन नहीं लगता है तो ये सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखें, सपोज किसी कंपाउंड में टर्शियरी ब्यूटाइल और सेकेंडरी पेंटाइल आता हो, ये दो सब्स्टिट्यूएंट जो है एक ही कंपाउंड में आ रहे हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल और सेकेंडरी पेंटाइल, तो सेकेंडरी का एस टर्शियरी का टी यदि अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखें तो एस टी से पहले आता है, लेकिन हमने अभी क्या बोला कि सेकेंडरी और टर्शियरी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेते हैं, तो हम लोगों को देखना है पेंटाइल का पी और ब्यूटाइल का बी। अब चूंकि बी पहले आता है तो टर्शियरी ब्यूटाइल को पहले लिखेंगे और सेकेंडरी पेंटाइल को बाद में, लेकिन यदि आइसो नियो है तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेना है। सपोज कि किसी कंपाउंड में आइसो पेंटाइल आ जाए और उसी में नियो पेंटाइल भी आ जाए दोनों, तो अब ऐसा नहीं कि दोनों पेंटाइल ही है तो किसी को भी पहले लिख दे, नहीं, आइसो और नियो को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड किया जाता है,
तो आइसो का आई और नियो का एन में आई पहले आता है, तो इस आइसो पेंटाइल को हम लोग पहले लिखेंगे और नियो पेंटाइल को जो है सो बाद में लिखेंगे। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देखो, पॉज करके उसको लिखो, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं आइसो नियो सेकेंडरी टर्शियरी में, मैक्सिमम लोग इसको गलत ही करते हैं। और ये सारे प्रीफिक्स जो है एन सेकेंडरी टर्शियरी आइसो और नियो, इस सब का इस्तेमाल जनरली कॉमन नेम में किया जाता है, ऐसा नहीं है कि आईपीसी नाम में कभी नहीं होता है, कभी कदा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये सारे प्रीफिक्स का यूज जो है हम लोग कॉमन नेम में करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है आज हमने देखा इस प्रीफिक्स के बारे में, जब आप लोग चैप्टर्स पढ़ोगे ऑर्गेनिक का तो सारे ये प्रीफिक्स आएंगे, वहां थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको बार बार इसको देखो और समझो। धन्यवाद।